जिन्नी देर नहीं चढ़ाना इन्नी देर उनकी पूजा जी सफल नहीं होती, इसलिए आधे कश्मीरी बिलपत्र। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में इस वक्त हम हैं और यहाँ चारों तरफ धुंध छाई हुई है और हम आपको लेकर चल रहे हैं जो यहाँ पर इकलौता शिव मंदिर है ठीक वहाँ पर, वहाँ हम लेकर चलेंगे। इस वक्त वहाँ का व्यू हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है, ज्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है कि वहाँ का नजारा यहाँ से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ये सीढ़ियां हैं जो हमें मंदिर तक पहुंचाएंगी, टोटल 60 के करीब ये सीढ़ियां हैं और इन्हीं से चढ़कर हमें मंदिर तक जाना है और वहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के दर्शन करने हैं। सुबह से ही यहाँ बरसात का मौसम बना हुआ है और ठंडक यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं जैकेट मैंने पहनी हुई है, और जब धूप खिली होती है तब भी बहुत सुहाना यहाँ का मौसम रहता है। और यहीं मंदिर के साइड पर आप देखें तो कुछ जो दुकानें लगाते हैं यहाँ पर भी हैं, अपनी उन्होंने फड़ी यहाँ पर लगाई हुई है और यहाँ पे अपनी ये लोग दुकान चलाते हैं। ये देख सकते हैं शॉल वगैरह ना बहुत कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। क्या क्या मिल जाता है आपके पास यहाँ पर, क्या क्या है, कौन कौन से कपड़े हैं आपके, फिरन वगैरह, शॉल वाल है, हाँ, और बसर जी फिरन भी है, फिरन नहीं हमारे पास। अच्छा, आप शॉल देते हो? हम शॉल देते हैं। तो रोज यहीं पर आते हो या अलग नहीं, कभी कभी आता है। अच्छा, तो कितना कितना रहता है, अलग अलग रेट रहता होगा, 400-500 से ऊपर ऊपर होता है। अच्छा, महंगा वाला भी होता है। तो अभी काम किस तरह का चल रहा है, ठीक है, काम तो अभी अच्छा है। अच्छा है ना, टूरिस्ट काफी ज्यादा आ रहा है इस टाइम भी, थोड़ा कम ही टूरिस्ट है, इस टाइम यात्रा ज्यादा है, तो वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, इसी से होकर आगे सामने आप देख सकते हैं ये वो मेन मंदिर है। अभी काफी ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अंदर जाकर भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको भी लेकर चलते हैं। और आमतौर पर इस मंदिर को शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है और वहीं इस मंदिर को महारानी टेंपल और महारानी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को बने 108 साल हो गए हैं और इस मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपनी पत्नी महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया के लिए किया था। शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर। ये मंदिर पूरे तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। 108 साल हो गए हैं इस मंदिर का निर्माण हुए और यहाँ एक खास बात आपको बताना बहुत जरूरी है, जहां भी आप शिव मंदिर में जाते हैं बेलपत्र शिव भगवान को जरूर चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ ये जो बेलपत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ भगवान पर अर्पण की गई है, इनके पत्तों में और बाकी पत्तों में अंतर है। अक्सर जम्मू में भी आप देखते होंगे या बाहर देखते होंगे तीन पत्तों वाली जो बेलपत्र है वो चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर 5, 10, 21 और इस भेलपत्र को कश्मीरी भेलपत्र कहा जाता है और कश्मीरी पंडित जो हैं वो इस भेलपत्र को उस समय यहाँ पर चढ़ाते थे, पूजा अर्चना जो है उसके बाद ही उनकी शुरुआत होती थी। इस मंदिर का अगर यहाँ से निर्माण देखे तो पूरे तरीके से पक्का किया है और ऊपर पूरे तरीके से लकड़ी, जो कश्मीरी लकड़ी की बात की जाए उस तरह से इसका निर्माण किया गया है। आकृति आप देख सकते हैं ऊपर पूरी कोन की तरह बनाई गई है जो अक्सर मंदिरों की देखी जाती है। ये उस वक्त की ही प्राचीन मूर्तियां हैं, यहाँ भगवान गणेश हैं और ये दोनों जो यहाँ पर मूर्तियां हैं ये माँ पार्वती की हैं। और यहाँ भी देखें, यहाँ भगवान भोले शंकर, ये भगवान हनुमान और यहाँ कार्तिकेय। और जब सर्दियों का समय आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो यहाँ पर बर्फ काफी ज्यादा रहती है और पूरे तरीके से मंदिर जो है वो बर्फ की चादर से लिपटा होता है। अभी बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ भगवान के दर्शनों के लिए, लगातार इस तरह का सिलसिला श्रद्धालुओं का यहाँ चलता रहता है, जिस तरह से अभी जितने भी श्रद्धालु भगवान भोले शंकर के अमरनाथ के लिए जा रहे हैं श्रीनगर में, वो वहां पर शंकराचार्य भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इसी तरह से जो लोग भी यहाँ गुलमर्ग आते हैं इस एकमात्र हिंदू मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है यहाँ जरूर आते हैं इनके दर्शनों के लिए। इस जगह की एक और खास बात है, यहीं पर जय जय शिव शंकर गाना जो बॉलीवुड का था राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था, इन्हीं सीढ़ियों पर वो फिल्माया गया था और इसी सीढ़ियों से होते हुए वो हीरोइन मुमताज से मिलने जाते हैं और पूरा गाना यहाँ पर ही वो
यहाँ की सीनिक व्यू जो है वो दिखाता है। और यहाँ भगवान भोले शंकर के भी आपको दर्शन करवा दिया। अभी पूरे तरीके से ये घना कोहरा जो है वो यहाँ पर छा चुका है। जब भी गुलमर्ग आए तो यहाँ भगवान भोले शंकर के दर्शन जरूर करें। नमस्कार।